नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलिया में आए योगी के खाग रसद और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली से नवाजते रहे हैं। कांग्रेस कानून का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस की बोली और भाषा पर नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए देश ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के महान नेताओं में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय नेता की संज्ञा भारत खुद नहीं देता। दुनिया के दूसरे देशों से मोदी जी को मिलती है लोकप्रिय नेता की संज्ञा। बलिया से नवल जी की रिपोर्ट। बेवजह खत्म ये सदस्यता नहीं गई है किसी आधार को लेकर, और सदस्यता खत्म करने के लिए आपने देखा कोर्ट ने कल उनको 2 वर्ष की सजा दिया। कोर्ट को भी आप कहेंगे कि वो वायस्ड है, तो कहीं ना कहीं से ये पूरे न्यायपालिका पर अंगुली उठाना है। कोर्ट ने अपना काम किया, किसी ने FIR किया, व्यक्ति ने किया, और FIR को संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ आदेश किया। अब उसमें भी अगर दोषी करार करा जाए, उनके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं। वो लगातार वो क्या बोलते हैं उसको कि वो जमानत में चल रहे हैं। अब इसके लिए भी अगर किसी सरकार को दोषी ठहराया जाए, कानून का जो सम्मान नहीं करेगा, जिसको आपने बोली और भाषा पे नियंत्रण नहीं होगा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के महान नेताओं में है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की संज्ञा भारत खुद नहीं देता, दुनिया के दूसरे देशों से उनको संज्ञा दी जा रही है, आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग उनके लिए कहते हैं। और कांग्रेस ने तो लगातार गालियों से नवाजा है, क्या नहीं कहा इस देश के प्रधानमंत्री को। देश ने संज्ञान लिया और उसी का ये परिणाम है कि इस देश की लगातार ये दूसरी कार्यकाल पूरा करने जा रही केंद्र की सरकार। और अगर कांग्रेस की उन गालियों को देश ने संज्ञान न लिया होता तो कांग्रेस को सबक नहीं सिखाता देश। तो ये ऐसे विषय हैं जिनको कि कानून और न्यायपालिका। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जेल भेजने के लिए BJP तुली हुई है, जेल भेज कर डरवाना चाहती है। उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? अगर उन्होंने गलती किया होगा तो जेल जाने का भय उनको सता रहा है। वरुणा कॉरिडोर में जांच चल रही है, न जाने कितने घोटाले उस दौर में हुए, उनकी जांच चल रही है। परिणाम उनको हो सकता आने वाले कल का समाज में वो अपने खिलाफ एक वातावरण तैयार करने के पीछे 2024 के पहले एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। और अगर कोई जेल तभी जाएगा जब उसने कोई अपराध किया हो और अपराध सिद्ध हो रहा हो तभी जेल जाएगा, वरना कहने से कोई जेल